हेलो एवरीवन, श्रीराम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत। तो देखिए, जैसे एनटीपीसी का भी एग्जाम डेट आ गया, हम लोग उसका भी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, उसी से बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है कि किस स्टेट के राज, मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया बिहार के ही या छत्तीसगढ़ के ही राज्यपाल कौन है, तो ये सब भी याद होना जरूरी है। मान ली इससे एक आध नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग लगभग आ जाता है, तो इसको हम लोग क्यों छोड़े, इसको भी साथ में लेके चलेंगे। तो चलिए, आज जो है हम 29 स्टेट हैं सारे का, आज जो है हम राज्यपाल के बारे में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल जो है श्री विश्वभूषण हरिचंदन है। श्री विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो क्या है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। अब चलिए उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो है राज्यपाल BD मिश्रा। BD मिश्रा कहाँ के राज्यपाल है, अरुणाचल प्रदेश के। अब आगे देखिए, आगे है असम। असम के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जो है वो अभी असम के राज्यपाल है। उसके बाद आइए बिहार। बिहार के राज्यपाल है श्री फागू चौहान। अब देखिए उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो वहां के राज्यपाल अभी कौन है, सुश्री अनुसुईया यूके। अब देखिए सुश्री अनुसुईया यूके जो है वो कहाँ के राज्यपाल है, छत्तीसगढ़ के। उसके बाद आइए गोवा। गोवा के राज्यपाल है श्री भगत सिंह कोशियारी। श्री भगत सिंह कोशियारी जो है वो गोवा के राज्यपाल है। उसके बाद आता है आपका गुजरात। गुजरात के राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत। अब देखिए हरियाणा है। हरियाणा के राज्यपाल अभी कौन है, श्री सत्यदेव नारायण आर्य। श्री सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो अभी हरियाणा के राज्यपाल है। उसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है श्री बंदारू दत्तात्रेय। श्री बंदारू दत्तात्रेय जो है वो अभी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। अब देखिए, अब आगे जो है झारखंड। झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जो है राजस्थान के राज्यपाल है। चलिए अब जो है आगे है आपका कर्नाटका। कर्नाटका के राज्यपाल कौन है, बाजू भाई वाला जो है कर्नाटका के राज्यपाल है। तो कर्नाटका के राज्यपाल आपसे पूछा जाए तो बाजू भाई वाला कर्नाटका के राज्यपाल है। चलिए उसके बाद है आपका केरला। केरला के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान जो है वो कहाँ के राज्यपाल है, तो वो केरला के राज्यपाल है। उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राज्यपाल जो है वो है आनंदी बेन पटेल वो महाराष्ट्र के राज्यपाल है। उसके बाद आई चलिए अब जो है आपका झारखंड आता है। तो झारखंड के जो है राज्यपाल वो द्रौपदी मुर्मू जो है वो झारखंड के राज्यपाल है। उसके बाद आइए कर्नाटका आता है। कर्नाटका के राज्यपाल है श्री बाजू। अब देखिए झारखंड है। झारखंड के राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू जो है मुर्मू वो झारखंड के राज्यपाल है। उसके बाद आता है आपका कर्नाटका। कर्नाटका के राज्यपाल है श्री बाजू भाई वाला। ये कहाँ के राज्यपाल है, श्री बाजू भाई वाला जो है वो आपके कर्नाटका के राज्यपाल है। उसके बाद आता है केरला। केरला के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान जो है वो केरला के राज्यपाल है। उसके बाद आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल जो है वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। उसके बाद आइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोशियारी जो है वो कहाँ के राज्यपाल है, तो महाराष्ट्र के। उसके बाद आता है आपका मणिपुर। मणिपुर के राज्यपाल है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जो है वो मणिपुर के राज्यपाल है। उसके बाद आपका आता है मेघालय। मेघालय के राज्यपाल है श्री सत्यपाल मलिक ये मेघालय के राज्यपाल हैं। अब देखिए अब जो है मिजोरम। मिजोरम के राज्यपाल कौन है, श्री पी एस
श्री धरन पिल्लई। कौन है? पीएस श्री धरन पिल्लई जो है वो कहाँ के हैं? मिजोरम के राज्यपाल है। उसके बाद आइए नागालैंड। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? श्री आरएन रवि। आरएन रवि जो है वो नागालैंड के राज्यपाल है। उसके बाद आपका आता है ओडिशा। ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। गणेशी लाल जो है वो ओडिशा के राज्यपाल है। उसके बाद आता है आपका पंजाब। अतः पंजाब का राज्यपाल है वीपी सिंह बंदोरी। सॉरी वीपी सिंह बदनोर। वीपी सिंह बदनोर जो है वो पंजाब के राज्यपाल है। उसके बाद आता है आपका राजस्थान। राजस्थान के राज्यपाल है श्री कलराज मिश्रा। श्री कलराज मिश्रा जो है वो राजस्थान के राज्यपाल है। उसके बाद आता है सिक्किम। सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जो है वो सिक्किम के राज्यपाल है। उसके बाद आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु के राज्यपाल है श्री वनवारी लाल पुरोहित। वनवारी लाल पुरोहित जो वनवारी लाल पुरोहित बनवारी लाल पुरोहित वो तमिलनाडु के राज्यपाल है। चलिए अब जो है अब है आपका तेलंगाना। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो वहां के राज्यपाल है डॉक्टर तमिलीसाई सौंदरराजन। तमिलीसाई सौंदरराजन जो है वो तेलंगाना के राज्यपाल है। उसके बाद आता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के राज्यपाल है श्री रमेश बैस। श्री रमेश बैस आपके त्रिपुरा के राज्यपाल है। अब चलिए आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड का है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल है। उसके बाद आपका जो है लास्ट आता है श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ जो है वो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल है। इसी तरह हम लोग 28 स्टेट के राज्यपाल के बारे में आज पढ़े हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग आपके लिए कैबिनेट मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।